आई एम मंथली। टुडे वी आर स्टार्टेड अवर क्वेश्चन फर्स्ट कंटिन्यू कर रहे थे। हमने प्राइमरी फंक्शंस देख लिए थे कि एक्चुअली में हमारे प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं बैंकिंग के। ठीक है, हम आते हैं अपने सेकेंडरी फंक्शंस पे। सेकेंडरी फंक्शंस क्या होते हैं हमारे, आपने फर्स्ट क्वेश्चन में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को नीचे कमेंट पर बताना। सेकेंडरी फंक्शंस में फर्स्ट है हमारे डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेकेंड है हमारे इसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। मैं आपको ये दोनों एक बार अभी समझाऊंगी। ठीक है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होता है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज और देखो क्या होता है। तो आप ध्यान से सुनना है, ये खाली आपका इसमें ही नहीं लिमिटेड है, आपके आगे और भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी काम आएगा, और भी थ्योरी वाली चीजें हैं आगे फ्यूचर में उसमें भी काम आएगा। डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, एक होता है कस्टमर और एक होता है शॉपकीपर। ये है शॉपकीपर और ये है कस्टमर। ध्यान से देखो, ये है शॉपकीपर, ठीक है, और ये है कस्टमर। मैंने इसकी दुकान से, इसमें बीच में बैंक आएगा, कंफ्यूज मत होना, इसमें बीच में आएगा बैंक। इन दोनों के बीच में जो लिंक करेगा वो कौन करेगा, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बीच में वो है हमारा बैंक। क्या होता है, शॉप से हमने लिया समथिंग 1000 रुपीज का सामान, क्या लिया 1000 रुपीज का सामान, हमें अभी पेमेंट नहीं करना, हमें क्या करना है बाद में पेमेंट करना है आफ्टर 3 मंथ्स। इसका टाइम पीरियड है 3 मंथ्स, कितना डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज का 3 मंथ और 3 ग्रेस डे, आपको ग्रेस डे मिलते हैं 3 दिन। क्या होता है, आपने शॉप से एक सामान लिया, सपोज करो मैंने लिया, क्या लिया शॉप से आपने 1000 रुपीज का कुछ भी लिया, आप कहते हो मैं अभी पेमेंट नहीं करूंगा, तो आप शॉपकीपर क्या करता है डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज का आपको ऑफर देता है कि आप अपना ये बना रहे। ये क्या करते हैं, बैंक के पास जाते हैं, बैंक दुकानदार को 1000 रुपये नहीं देगा पूरे, ये इसको 900 या 800 दे देगा, लेकिन और 3 महीने बाद कस्टमर विथ इंटरेस्ट क्या करेगा, विथ इंटरेस्ट इसको देगा बैंक को। बैंक का तो फायदा ही फायदा है, बैंक ने इसको भी पूरे 1000 रुपये नहीं दिए शॉपकीपर को, इसको तो चाहिए, ये इतना उधार नहीं दे सकता, 3 महीने नहीं वेट कर सकता, क्योंकि इसको रोज स्टॉक अपना रिस्टॉक करना होता है, अपना इन्वेंट्री बनानी होती है। तो ये क्या करते हैं शॉपकीपर्स, ये बैंक की हेल्प से डिस्काउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज के एक ऐसा पेपर आता है, लाइक डाक आप देख सकते हो, एक ऐसा पेपर आता है, ये बनवा के दे देते हैं किसको, कस्टमर्स को। कस्टमर इसको ले लेते हैं, कस्टमर के पास टाइम होता है 3 मंथ्स, आप 2 महीने में भी पेमेंट कर सकते हो, आप अंडर 5 मंथ में भी कर सकते हो, पूरे कंप्लीट होने के बाद भी कर सकते हो, और आपके पास 3 दिन ग्रेस के, ठीक है, लाइक डाक। तो आपके पास ये शॉपकीपर हमें वो दे देता है, एक अपॉर्चुनिटी दे देता है, ठीक है चलो। अब बैंक क्या करेगा, इससे 1000 रुपये नहीं लेगा 3 महीने का, इस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो ये है हमारा डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये बैंक का काम है। बैंक क्या कर रहा है, सेकेंडरी फंक्शन है किसका, बैंक का। प्राइमरी फंक्शन हम पढ़ चुके थे, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मैं एक बार आपको इसकी थ्योरी पढ़ के दिखा रही हूँ, थोड़ा सा वो है कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट आपको खुद लिखना पड़ेगा, आप इसको रटने बैठोगे तो पॉसिबल नहीं है। देखो क्या कह रहा है, बिल ऑफ एक्सचेंज रिप्रेजेंट अ प्रॉमिस टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ मनी एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर, इसमें स्पेसिफिक लिख दिया, लेकिन डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज का 3 मंथ्स का टाइम होता है और 3 डेज ग्रेस दिए होते हैं, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी एनकैश अर्लियर थ्रू डिस्काउंटिंग प्रोसेस, अर्लियर मतलब मैंने आपको बता दिया, हम इसको 2 महीने में भी कर सकते हैं, 1.5 महीने में भी कर सकते हैं, 3 महीने से 10 दिन पहले जब हमारे पास कैश आएगा हम दे देंगे, ठीक है। इट कैन बी कैश अर्लियर। ऑल्टरनेटिव अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ डॉक्यूमेंट जो क्या कर रहा है, एक्नॉलेजिंग एन अमाउंट ऑफ मनी कंसिडरेशन ऑफ गुड्स रिसीव्ड, इट इज अ पेपर, मैंने आपको बताया पेपर है, अ चेक साइन बाय द डेटर एंड द क्रेडिटर। अभी मैं डेटर कौन हुआ, लेने वाला कौन हुआ, दुकानदार। क्रेडिटर जो देगा वो कौन हुआ, कस्टमर हुआ, ठीक है। फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट पेबल ऑन अ फिक्स्ड डेट, सपोज अब देखो, अब बाय ए बाय अ गुड्स फ्रॉम बी, ही नाउ पे इमीडिएटली इंस्टेड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज स्टेटिंग अमाउंट बाय द टाइम। ए विल स्टेट बी सपोज इमीडिएटली ही विल रिप्रेजेंट द बिल ऑफ एक्सचेंज टू द बैंक फॉर डिस्काउंटिंग एंड द बैंक विल डिडक्ट द कमीशन। बैंक ने कस्टमर को भी पूरे नहीं दिए, मैंने आपको कहता है बैंक अपना कस्टमर से सॉरी शॉपकीपर को भी उसे 1000 रुपये पूरे नहीं दिए, ठीक है, उसने उसने काट लिए 100,
90-80 rupees तो काट लिया अपना कमीशन एंड पे अमाउंट एंड विल द दे ऑन मैच्योर जब भी मैच्योर होएगा स्पेसिफिक पीरियड के बाद द बे विल गेट अ पेमेंट फ्रॉम ए. अब ये शॉपकीपर के पास नहीं जाएगा किसी भी कंडीशन में कि आप मुझे पे करो, ये सीधा कस्टमर के पास जाएगा. कौन है आप लाइबल? कस्टमर. ठीक है, नेक्स्ट देखो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है? ये रेगुलर कस्टमर्स को मिलती है. जो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी हर किसी को नहीं मिलती. जनरली आप जाओ आपके अकाउंट में 10,000 है, आप आज डलवाओ सेविंग अकाउंट पर गाओ, आपको कल नीड पड़ जाए. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की तो नहीं होता. जनरली करंट अकाउंट्स में होता है. किस में होता है? बिजनेस मैन्स में होता है और करंट अकाउंट में होता है. ये क्या कहता है? ये आंसर सुनना. क्या कहता है? मेरा ट्रांजेक्शन है 10,00,000 रुपये. मेरे को 12 बजे बैंक कस्टम, ये बैंक की बात हो रही है, इसमें कोई शॉपकीपर नहीं है, लेकिन है ये करंट अकाउंट किसी एक्स बिजनेस मैन का, किसी एक्स बिजनेस मैन का. ठीक है, किसी एक्स बिजनेस मैन का करंट अकाउंट है, उसको पेमेंट करना है. कितने का? 10,00,000 का. ठीक है, बैंक से ही कटेगा, चेक आएगा बैंक में, बैंक ही उसको डिस्काउंट करेगा लाइक दैट. ठीक है, देखो हम क्या देख रहे थे, अपनी ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी. ये क्या कहता है कि किसी एक्स बिजनेसमैन का करंट अकाउंट है, उसके अकाउंट में अभी भी 10,00,000 रुपए हैं बैंक के पास है. मान लो उसका अकाउंट है ICICI बैंक. ठीक है, उसका अकाउंट इसमें ICICI बैंक. ठीक है, अब पेमेंट आती है 12 बजे. एक चेक आता है किसी भी पार्टी का जो उसको से लेना था, किससे? एक्स बिजनेस मैन से. ध्यान से सुनना, एक्स बिजनेस मैन है, उसका करंट अकाउंट है ICICI बैंक में, उसमें डिपॉजिट है अपनी 10,00,000 की. 12 बजे एक चेक आता है, उसको करना होता है, किसी पार्टी का होता है, उसको पेमेंट करनी होती है, और चेक डालता है कितने का? 10,20,000. यही कॉन्सेप्ट है इसका, 10,20,000 का. हमारे अकाउंट में कितने पैसे हैं? खाली 10,00,000 रुपये. तो बैंक क्या करता है, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे देता है. वो पेमेंट कर देता है 10,20,000 की बिना उसके कंसर्न के, क्योंकि उसका रोज का काम है. एक बैंक का रोज का काम है किसी भी बिजनेसमैन के थ्रू पेमेंट करना फ्रॉम अ करंट अकाउंट. ठीक है, वो उससे कंसर्न करता है. एक बार कंसर्न करेगा, और नहीं भी करेगा, कोई अच्छा बिजनेसमैन होगा जिसका डेली का लाखों का ट्रांजेक्शन है और करोड़. नेक्स्ट देखो, हमने क्या पढ़ा कि एक एक्स बिजनेसमैन है, उसका करंट अकाउंट है, ठीक है, किसमें? ICICI बैंक में. उसके पास एक पार्टी की पेमेंट आती है, कितने की? 10,20,000 रुपये. ठीक है, ये पेमेंट है, हमें करनी है उस पार्टी. ठीक है, ये पेमेंट है, ठीक है, हम लोग उस पार्टी को देने के लिए देगा. कितना एक्सेस हो रहा है हमारा? 20,000. तो जो भी हमारा एक्स बिजनेसमैन है वो बैंक को क्या देगा? अभी मुझे ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे दो, मतलब आप मेरे भी आप पे पेमेंट कर दो 20,000 की, मैं आपको बाद में दे दूंगा. और बैंक बाद में फिर विद इंटरेस्ट लेगा, चाहे वो 1 घंटे बाद भी हो. ठीक है, अब देखो 20,000 रुपये उसने दे दिए किसको? पार्टी को. तो 10,20,000 की हमारी पूरी पेमेंट हो गई, हमारा चेक भी डिसऑनर नहीं हुआ. इससे क्या होता है? चेक डिसऑनर हो जाएगा, इसके लिमिटेशन क्या है? चेक डिसऑनर हो जाएगा, इसके डिसएडवांटेज, चेक डिसऑनर हो जाएगा. चेक डिसऑनर हो गया तो आपका बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है. किसी भी बिजनेस का चेक डिसऑनर नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स लेस मनी इन द अकाउंट. क्या कहता है? कि कम पैसे हैं हमारे अकाउंट में. क्या है? कम पैसे हैं हमारे अकाउंट में. ठीक है, जितने में नीड है उससे कम पैसे, उससे चेक क्या हो जाता है हमारा? डिसऑनर हो जाता है. तो उस पर हमें केस भी हो जाता है. ठीक है, जनरली केस कर देती है कोई भी, ऐसे अगर पार्टी अगर अच्छी ना हो, उसको पेमेंट चली गई तो चेक का केस कर देगी, और हमारी गुडविल खराब होती है किसमें? मार्केट में. तो इससे अच्छा तो हम बैंक से ये फैसिलिटी ले लें, कि हम जी ओवरड्राफ्ट की पैसे. देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, एजेंसी फंक्शन ऑफ द बैंक. ये क्या कहता है? एजेंसी ट्रांसफर ऑफ फंड्स. हमारी क्या कर देता है बैंक? क्या कर देता है? हमारे भी आप पे ट्रांसफर कर देते हैं फंड्स. जैसे हमारे जितने भी लेटर्स होते हैं हमारे, कोई भी चेक हो गया, कोई भी लेटर हो गया, उसको क्या कर देता है? वो ट्रांसफर कर देता है. ठीक है,
कोई भी ड्राफ्ट हो गया, कुछ भी हो गया, कहाँ से इस प्लेस टू प्लेस, कलेक्शन ऑफ फंड्स, कोई भी हमारा ईमेल आया, कोई भी हमारा ड्राफ्ट आया, उसको ये क्या कर देते हैं, कलेक्शन भी कर देते हैं, ठीक है, पेमेंट कर देते हैं वेरियस आइटम्स की, लाइक शेयर्स की पेमेंट कर दी उसको, लगा चलो शेयर, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर दिया, ये सारी फैसिलिटी के अगेंस्ट में वो हमसे चार्जेस अगेंस्ट करते हैं, नोन एज सर्विसेज चार्जेस या सर्विस चार्जेस, ठीक है, क्या अगेंस्ट में क्या चार्ज करते हैं, सर्विस चार्ज करते हैं वो, इन सब के बोर्ड पे पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स, ठीक है, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, क्या कर लेते हैं, उनको लगता है यार हमारा काम ये नहीं है कि हम बैंक पे हमेशा वो रखें, अपनी नजर रखें, उनको लगा आज शेयर्स की प्राइस कम हो गई, 10 रुपये हो गई, चलो खरीद लो, किसके भाव पे, कस्टमर के भाव पे, वो आपसे कमीशन तो चार्ज करे नहीं करेगा, सर्विस चार्ज, और अगर उसको लगा यार शेयर आप 15 रुपये का है, 10 रुपये का खरीदा तो बेच दो, तो वो बेच भी देगा, ठीक है, तो आपको तो फायदा ही फायदा, आपको सिर्फ एक सर्विस चार्जेस दे रहे हैं बैंक को, ये सारे एजेंसी फंक्शन होते हैं बैंक के सेकेंडरी फंक्शन, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे यूटिलिटी फंक्शन, कौन से यूटिलिटी, नेक्स्ट है हमारे यूटिलिटी फंक्शन, इसमें है दो तीन ही आए, यस यूटिलिटी सर्विसेज, लॉकर फैसिलिटी, अर्थराइट यूटिलिटी, हमें लॉकर की फैसिलिटी दे देते हैं, क्या करते हैं बैंक जनरली हमें लॉकर की फैसिलिटी देते हैं, क्या करते हैं लॉकर, मतलब हमें अगर अपना कोई भी एक्सपेंसिव थिंग रखनी हो, गोल्ड एंड एनीथिंग, तो वो क्या करते हैं बैंक क्या करते हैं हमें लॉकर की फैसिलिटी दे देते हैं। नेक्स्ट है अंडर राइटिंग, हमने अभी पढ़ा था ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी पढ़ा था हमने, अंडर राइटिंग, अंडर राइटर्स होते हैं, अंडर राइटर्स क्या होते हैं, ध्यान रखना एक बैंक है, एक शेयर सेल करने वाले, ठीक है, बैंक और एक्स कंपनी है जो शेयर सेल करती है, इनके बीच में होते हैं अंडर राइटर्स, इनके बीच में कौन होते हैं अंडर राइटर, ये क्या कहते हैं एक्स कंपनी अपने शेयर किसको दे देती है, अंडर राइटर्स को दे देती है कि मेरे 100 शेयर बेच दो, आपको मैंने ये चीज पहले भी बता रखी है वीडियोस में, ठीक है, 100 शेयर्स अपने दे देती है, क्या कर देती है 100 शेयर्स अपने दे देती है कि मेरे सेल कर दो, और ये अंडर राइटर क्या श्योरिटी देता है, अगर नहीं हुए 99 शेयर्स भी सेल हुए, 90 शेयर्स भी सेल हुए, तो बचे हुए मैं ले लूँगा और मैं आपको उसके बिहाफ पे पेमेंट कर दूंगा एनी हाउ, ठीक है, 90 शेयर की तो पेमेंट करेगा ही करेगा, तो बैंक क्या करती है अंडर राइटर्स की फैसिलिटी देती है और अंडर राइटर्स से शेयर्स ले लेती है लाइक दैट। अब देखो ले फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, कोई भी प्रॉब्लम हो मैं उसकी वीडियो के नीचे बता दूंगी आपको, एक और वीडियो जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी जिसमें मैंने पूरा बैंकिंग बता रहा था वो मैंने नीचे मेंशन कर दूंगी इस वीडियो में, नीचे आप उसका लिंक मेंशन कर दूंगी, ठीक है। आप सेकंड क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है हमारा बहुत अच्छे तरीके से। सेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट क्रिएशन, एक्सप्लेन द मेथड्स एंड लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, यही वाली डेफिनेशन लर्न कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, दूसरी करोगे तो दूसरी कर लेना, नहीं तो ये बहुत अच्छी डेफिनेशन, इसका मैं अभी आपको ऑथर बता दूंगी इसने लिखी है, ठीक है। देखो क्या कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, ठीक है, इनिशियल डिपॉजिट, इसका फॉर्मूला भी लिख लेना, ये फॉर्मूला है इसका। अब देखो क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, मैं आपको एक डेफिनेशन से बता दूंगी, बहुत सिंपल है। द बैंक आर नॉट ओनली द ट्रेडर ऑफ मनी, बैंक क्या है नॉट ओनली द ट्रेडर ऑफ मनी बट ऑल्सो अ क्रिएटर ऑफ मनी, वो ट्रेड नहीं करते, वो व्यापार नहीं करते पैसों में, क्या नहीं करते वो व्यापार नहीं करते पैसों में, बल्कि वो बनाते हैं क्रिएट करते हैं पैसे से पैसा, क्या बनाते हैं पैसे से पैसा, क्रिएटर ऑफ मनी क्या कहता है, बैंक आर नॉट अ ट्रेडर बट अ ट्रेडर नहीं है कोई बैंक बल्कि क्या है क्रिएटर ऑफ अ मनी इन एन इम्पॉर्टेंट सेंस, द कमर्शियल बैंक अंडरटेक्स द ट्रांजेक्शन ऑफ मनी ऑल्सो डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। इसको दो बार रिपीट करोगे ना मेरे साथ, क्या कह रहा है द बैंक आर नॉट ओनली द ट्रेडर ऑफ मनी
बैंक एक ट्रेडर नहीं है मनी का, बट आर ऑल्सो क्रिएटर ऑफ मनी इन एन इम्पॉर्टेंट सेंस. द कमर्शियल बैंक अंडरटेक द ट्रांजेक्शन ऑफ मनी एंड ऑल्सो डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन. एक बार और पढ़ोगे मेरे साथ तो आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगी. लास्ट देखो, द बैंक आर नॉट अ ट्रेडर ऑफ मनी. व्यापार नहीं करता वो पैसों को, वो क्या करता है, पैसों को बनाता है. क्रिएटर ऑफ अ मनी इन एन इम्पॉर्टेंट सेंस द कमर्शियल बैंक अंडरटेक द ट्रांजेक्शन ऑफ मनी एंड ऑल्सो डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन. क्या करता है, पैसे से पैसा बनाता है. मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बता रहे थे, हर जगह आएगा क्रिएशन ऑफ मनी, क्रेडिट क्रिएशन. अब इसको तो आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगी. पहले एक बार ये डेफिनेशन देखो, क्वेश्चन देखो, ठीक है, फिर नेक्स्ट बता दूँ. यस, अब हमने क्रेडिट क्रिएशन की डेफिनेशन देख ली थी कि बैंक क्रेडिट क्रिएशन कैसे करता है और उसका फॉर्मूला क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है. अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस में है एक्सप्लेन द मेथड्स एंड लिमिटेशंस. अब हम देखेंगे हमारी लिमिटेशंस क्या है क्रेडिट क्रिएशन की. तो लिमिटेशन देखो, LLR क्या होता है, लिक्विड रेशियो, लिक्विड रिजर्व रेशियो. LLR क्या है, लिक्विड रिजर्व रेशियो. ऐसा रेशियो जो हर बैंक को RBI के कहने पे अपने पास रखना पड़ता है या RBI को देना पड़ता है. इसमें दो चीज़ें आती हैं, क्या आपकी CRR कैश रिजर्व रेशियो, चाहे आप इसको नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है. CRR कैश रिजर्व रेशियो और स्टैचुरी SLR, ये SLR ये क्या होता है, ये कहता है, हम कहते हैं हमारे 5000 के 50000 हो गए एक साल, कहते हैं ना हम कभी कभी, हमने 5000 जमा करवाए हमारे 10000 के हमारे 50000 हो गए, कैसे हो गए, क्या करता है बैंक, क्या कैसे रहता है, क्रेडिट क्रिएशन कैसे करता है. हमने क्या पढ़ा था डेफिनेशन में, बैंक क्या है, व्यापार नहीं करता, नॉट अ ट्रेडर, क्या है, क्रिएटर ऑफ अ मनी, हमने डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं. अब उसी के हम लिमिटेशंस पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, लिमिटेशन. अब LLR क्या है, पहली ही लिमिटेशन हमारी CRR कैश रिजर्व रेशियो और दूसरी है हमारी स्टैचुरी लिक्विड रेशियो, ये दोनों ही पार्ट LLR की है, लिक्विड रेशियो रिजर्व के, ठीक है. देखो क्या होता है, और CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो कैप्ट विद RBI. अब ये क्या होता है, क्या कहता है बैंक, बैंक की पूरे दिन की डिपॉजिट मान लो 1,00,000 रुपये, ध्यान से समझना, 1,00,000 रुपये पूरे दिन की डिपॉजिट है किसकी, बैंक की. तो RBI क्या कहता है, 4% तो मुझे दे रिजर्व के नाम पे, किसके नाम पे, कैश रिजर्व के नाम, 4% मुझे दे दो, मतलब 4000 हम उसको दे देंगे, RBI को दे देंगे. SLR क्या कहते हैं, 18% अपने पास रख लो, सारा लेंड मत करो, सारा इसको मत दो, लेंड मत करो. हम कैसे आ गए, हमने क्या कहा, हमने 10000 जमा करवाए, हमारे 2 साल में 50000 हो गए, अभी क्या हो गया, ठीक है. ऐसा तो ऐसा क्यों होता है, बैंक क्या करता है, 10000 हमने लिया, 10000 का ये एग्जाम्पल ले लो आप, 4000 किसको दे दिए, 4%, 4000 किसको दे दिए, 400 रुपये किसको दे दिए हमने, RBI को, कैप्ट विद RBI, और बचा 18% हमने अपने पास रख लिया, जो बची इनकम है सारा पैसा हम नहीं लेंड कर सकते, ठीक है. हमें कुछ तो RBI को देना होता है, कुछ अपने पास रखना होता है, उसी रेट को हम CRR और SLR कहते हैं. जो पैसे बच जाते हैं, मान लो इधर 7200 बच गए, हम इसको लेंड कर सकते हैं कैसे भी. अब आप कहोगे मैम फिर हम जब निकलवाने जाएंगे तो हमारे पैसे, हम अकेले कस्टमर तो है नहीं अपने बैंक के, बहुत सारे कस्टमर हैं, ये बैंक का सर्कुलेशन होता है, ठीक है. बैंक का क्या होता है, एक सर्कुलेशन होता है. एक बार ध्यान से दोबारा देख, मैंने क्या कहा, बहुत मैं छोटा सा अमाउंट है, 100 रुपये जमा कर रहा, क्या कर रहा है, 100 रुपये. इसने कहा क्या, 20% अपने पास रख लो, क्या कर लो, 20% SLR रख लो, बैंक अपने पास रख लो, ठीक है. तो हमने 20 रुपये रख लिए, बचे कितने, 80 रुपये, हम इसको लेंड कर सकते हैं, मतलब हम इसको लोन के रूप में दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है. चलो ये दे दिए हमने. लिमिटेशंस होती है तो इसमें हमेशा हमें एजम्पशन मानना होता है, क्या मानना होता है,
एजम्पशन मानना है, एजम्पशन देखना है। दो एजम्पशन होते हैं, ऑल बैंक्स आर वन यूनिट, कि सारे बैंक एक यूनिट है। हम ये नहीं कह सकते ICICI अलग है, HDFC अलग है, हम क्या कहते हैं ऑल बैंक्स आर इन वन यूनिट, ये इसकी एजम्पशन है। क्या कहते हैं ऑल बैंक्स आर इन वन यूनिट। दूसरी एजम्पशन क्या है, लोन अमाउंट, जो भी लोन का अमाउंट है ऑलवेज बैक टू बैंक। ये एजम्पशन कि हमने 80 रुपए लोन का दिया ना, हमने लेंड किया है, तो ये वापस बैंक में आएगा ही आएगा। मैंने चार लोगों को 20-20 रुपए करके दिया, तो ये मेरे को चार लोग 20-20 रुपए करके मेरी एक नई डिपॉजिट हो जाएगी 80 रुपए की। ये हमें मान के ही चलना है क्योंकि लिमिटेशन है, लिमिटेशन में दो एजम्पशन है, ऑल बैंक्स आर इन अ वन यूनिट, हम सारे बैंक्स क्या है एक यूनिट है। लोन अमाउंट विल बी बैक टू द बैंक, कि जितना भी हमारा लोन का अमाउंट है वो क्या होगा, बैक होगा किसमें, बैंक में। हमने 80 रुपए दोबारा लेंड कर दे, चलो कर दो 80 रुपए हमने दोबारा लेंड कर, ठीक है 80 का 20% हमने क्या कर दिया, SLR कर दिया, 16 रुपए, कितना 16 रुपए, कितने बचे 64 रुपीज। हम क्या कह रहे हैं, ये लोन का अमाउंट हमने लेंड कर दिया, ये लोन दे दिया हमने, ठीक है 18 माइनस 64 रुपए हमारे वापस आएंगे, इसको दोबारा खेल लो उसके साथ, चलो खेलते हैं 64 का फिर 20% रख दो और जो बचा उसको हम लेंगे। इसको यही प्रोसेस है हमारा बैंकिंग का, इसी को हम कहते हैं क्रेडिट रिलेशन। आपके लिए तो बैंक का मशीन है, चलो लोन का अमाउंट देने के लिए आपको बैंक आके दे दो, नहीं ऐसे नहीं, ठीक है। अब मैं एक बार आपको लिमिटेशन फर्स्ट वाली पढ़ रही हूँ, CRR, आप SLR भी लिख सकते हो, आपकी बुक में मेंशन नहीं है बट आप लिख सकते हो, मार्क्स नहीं कटेंगे, मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे, पेज बढ़ जाएगा। LLR लिख के दो पार्ट्स डिवाइड कर देना, इससे एग्जामिनर को लगे यस कि इसने थ्योरी में अच्छा लिखा है। देखो क्या है, कैश रिजर्व रेशियो, द क्रेडिट क्रिएशन पावर ऑफ अ बैंक डिपेंड अपॉन द कैश अमाउंट, कैश प्रोसेसेस, मतलब जो कैश प्रोसेस हो रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है क्रेडिट क्रिएशन कितना हो रहा है। मैं कहती हूँ खाली 10% रखना है, ठीक है, मैं कहती हूँ खाली 10% रखना है 100 रुपए का, 10 रुपए रखने हैं हमें, और कितने पे हमें लोन देना है 90 पे, इधर क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा। पहले हमने क्या बोला 20 रुपए रखे और 80 रुपए दिए, अब हम क्या कहते हैं हमारा SLR 10% रख दो 100 रुपए का, मतलब 10 रुपए और हमारा 90 रुपए आप लोन पे चढ़ा दो, इससे ज्यादा पैसा इकट्ठा होगा। तो हम देखते हैं हमारा रेट कितना है, हमें कितना बोरो करना है और कितना हमें ज्यादा पैसा मिल रहा है, किस पे ज्यादा पैसा मिल रहा है तो हम ज्यादा लोन लेंगे, या बिल्कुल उल्टा होता है, कम रेट ज्यादा लोन, पब्लिक में ज्यादा पैसा जाएगा, ज्यादा SLR कम पैसा, 30% कर दो ना, तो 30 रुपए ही हमें, 30 रुपए तो बैंक को रखने आ रही है, 70 रुपए तो बचे ये लोन पे दे देगा। कोई सोचेगा यार 100 रुपए में से 30 रुपए तो बैंक खुद ही रख रहे हैं, 70 रुपए दे रहे, क्यों, क्योंकि हमारी SLR कर रहे हैं, बैंक कुछ नहीं कहते बैंक देगा। अब हमने देख लिया क्या होता है SLR, CRR, आपको ये पॉइंट समझ आ गया। अब एक बार अपन अपनी सीरीज में से एक बार पढ़ लेते हैं कि CRR, SLR क्या होता है, ठीक है, लिमिटेशन, ठीक है। देखो क्या कहता है, कैश रिजर्व रेशियो, द क्रेडिट क्रिएशन पावर ऑफ द बैंक डिपेंड अपॉन द कैश दे प्रोसेस, द लार्जर कैश, जितना ज्यादा कैश होएगा द लार्जर द अमाउंट ऑफ क्रेडिट कैन बी क्रिएटेड बाय बैंक, दस द बैंक हैज अ पावर ऑफ क्रिएटिंग क्रेडिट इज अनलिमिटेड बाय कैश इट प्रोसेसेस, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट प्रॉपर सिक्योरिटी, अभी क्या कह रहा है, हमने अभी पढ़ा ना कि हमने 100 रुपए दिए SLR जो हम अपने पास रखते हैं और CRR जो हम RBI के पास रखते हैं, मान लो ये 5% तो हमें
5% हमें अपने पास रखना, 95 रुपीज हम लोन ले सकते हैं, सर्कुलेट हो सकती है हमारी मनी, हम लैंड कर सकते हैं लोन का अमाउंट। तो ये चीज़ है, जितना कम होगा ये वाला अमाउंट उतना ज़्यादा लोन होगा, जितना ज़्यादा ये वाला अमाउंट होगा, ये 30% हो गया, अगर 30 रुपीज और ये 70 हो गया, उतना कम अमाउंट। ये अपोजिट रिलेशन होता है लोन और SLR का, जितना ज़्यादा SLR रेट होगा उतना कम हम लोन दे सकते हैं, हमारी मनी उतनी कम सर्कुलेट हो सकती है, 30 रुपये तो हमारे पास ही पड़े रहेंगे ना, लेकिन जहाँ तो नहीं रहेंगे तो रिजर्व क्या है, रिजर्व। तो यही चीज़ है, जितनी कम मनी होगी उतना ज़्यादा लोन होगा, जितनी कम मनी जितना कम रिजर्व उतना ज़्यादा लोन, जितना ज़्यादा रिजर्व उतना कम लोन, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट एंड प्रॉपर सिक्योरिटीज। इफ प्रॉपर सिक्योरिटीज आर नॉट अवेलेबल विद द बैंक कैन नॉट कीप क्रेडिट और क्रिएट क्रेडिट, ठीक है। क्या अब आपको ऐसी लोन दे देगा बैंक, आपने मांगा 1000 रुपये का लोन, ऐसी दे देगा बैंक, नहीं, आपकी 3 साल की ITR, आपका आधार कार्ड, ठीक है, आपकी इनकम सब देखेगा, तब वो जाके लोन देगा। मैं एक एजम्पशन लेके जाके जा रही हूँ, ठीक है, डोंट टेक एज अ पॉइंट, इसको एजम्पशन मानना, ठीक है। और लिमिटेशंस में हमेशा 2 एजम्पशंस चलती हैं, एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जितने भी बैंक्स हैं वो 1 यूनिट है, और जितना भी अमाउंट हम लोन पे दे रहे हैं वो वापस बैंक में आएगा ही आएगा, ये हमारी क्या है एजम्पशन, लिमिटेशंस पढ़ रहे हैं तो हमें तो 2 एजम्पशन याद करनी होंगी, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ व्यू आप लिख सकते हो एजम्पशंस, कोई बड़ी बात नहीं है, लिमिटेशन से पहले डालना है एजम्पशंस विद द ब्लैक पेन। मैं आपको भी प्रेजेंटेशन भी बताऊंगी पेपर से एक दो दिन पहले, मुझे इतने अच्छे व्यूज आएंगे उतना अच्छा मैं बता दूंगी, ठीक है। मैं आपको प्रेजेंटेशन बताऊंगी आपको पेपर में कैसे प्रेजेंट करना है, आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है। कीपिंग रिजर्व विद अ सेंट्रल बैंक, एवरी एफिलिएटेड और एज बैंक हैज टू कीप अ सर्टेन रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, द सेंट्रल बैंक कीप ऑन चेंजिंग द परसेंटेज ऑफ दीज रिजर्व फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब ये वाला रेट हमारा कौन सा रेट, कौन सा रेट, CRR, ठीक है, जो हमें क्या करना होता है बैंक को देना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, रिजर्व बैंक के पास रखना ही रखना, ठीक है, जितना वो ज़्यादा होएगा उतना वो कम होएगा। अब इसमें भी वही वाला रिलेशन है जो हमने SLR में पढ़ा, ठीक है, जो प्रॉब्लम हो एक बार पूछ लेना। बैंकिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल, क्या हैबिट्स होती है पीपल की, द बैंक हैबिट्स ऑफ द पीपल आर एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर विद गवर्न्स द पावर ऑफ क्रेडिट क्रिएशन ऑन अ पार्ट ऑफ बैंक, इफ पीपल डू नॉट यूज इन द हैबिट ऑफ चेक दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, ठीक है। हम चेक यूज करनी है, हमें चेक बुक नहीं है, वापस अकाउंट नहीं है, तो वो बैंक के लिए एक प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है, उसको पूरा प्रोसेस करना होता है, उसका अकाउंट, उसका क्रेडिट कार्ड, ATM, सब कुछ उसको करके फिर उसको अपना एक चेक बुक इशू करती है, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे अभी हमारे पास सब कुछ क्या है ऑनलाइन है, सब कुछ क्या है ऑनलाइन, हमें बैंक जाने की नीड ही नहीं है, हमारे पास हर बैंक की अपनी 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 ऐप है, उसमें हमारा स्टेटमेंट आ जाएगा, हमारी डिपॉजिट आ जाएगी, हमारा विड्रॉल आ जाएगा, हमने कितनी किसको पेमेंट करी है वो सब आ जाएगा, ठीक है। तो वो सब क्या होता है, हमारा सर्कुलेशन होता है, बैंकिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल। अगर मैं एक एजुकेटेड पर्सन हूँ, मुझे सब कुछ पता है यार, ऐसे होता है ऐसे होता है, तो बैंक वालों को भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने ट्रांजेक्शन करती जाऊँगी, बैंक अपनी डिटेल देखता जाएगा। लेकिन कुछ इलिटरेट पर्सन भी हैं हमारी कंट्री में, कुछ नहीं बहुत सारे, ठीक है, उनके लिए प्रॉब्लम है, ठीक है, उनको अब तक नहीं समझ आया एक्चुअल में है क्या। इफ हैवी विड्रॉल ऑफ कैश बाय अ ब्रोअर, 6 पॉइंट, अगर हम कैश ज़्यादा विड्रॉ करते हैं, इफ द बोअर विल विड्रॉ मनी इन कैश द बैलेंस ऑफ डिपॉजिट विल बी डिस्टर्ब, विद द विड्रॉल ऑफ कैश एक्सेस रिजर्व ऑफ द बैंक आर ऑटोमेटिकली रिड्यूस, दिस रिड्यूस द पावर ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। मैं कह रही हूँ अब आप वाली बात, अब देखो क्या कह रहे होंगे सब लोग कि मैम मेरे 20,000 है, आपने कह दिया कि बैंक ने रिजर्व रख के 18,000 रुपये, 2,000 का रिजर्व रख के 18,000 रुपये लोन पे दे दिए, तो अगर मुझे कभी नीड पड़ गई, कभी बाय चांस कोई सर्कमस्टांसेस हो जाता है, तो क्या करेगा बैंक, तो बैंक का वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या यही लिखा हुआ है, अगर हमने कोई भी सर्कमस्टांसेस हो जाता है बाय चांस, तो बैंक क्या करता है, हैवी विड्रॉल, तो उसका कैश विल
जो क्रेडिट क्रिएशन, जो क्रेडिट पे वो कर रहा है सब कुछ, वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है. क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है. वन, ठीक है. तो नेक्स्ट देखिए, लेट्स सी. देखो क्या कह रहा है, मेरी 20,000 की डिपॉजिट है, कोई मेरे को नीड पड़ गई यार, मुझे पैसे निकलवाने ही निकलवाने हैं, पूरा अकाउंट खाली करना है, ठीक है. कोई भी सर्कमस्टांसेस आ गया, हेल्थ इश्यूज हो गए, कुछ भी हो गया, हमें कहीं बाहर जाना है, घूमने जाना है, कुछ काम है हमें, तो हमने पूरे 20,000 निकाल लिए. बैंक का तो डिस्टर्ब हो गया ना. क्या बैंक ने तो उसके 18,000 रुपये लोन पर दे रखे थे, वो तो बैंक देगा, बैंक मना नहीं करेगा, लेकिन उसका जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है वो डिस्टर्ब हो जाता है विद द हैवी विड्रॉल ऑफ अ मनी. हैवी विड्रॉल मतलब मैं बोरोअर हूँ, ठीक है, मैंने अपने सारे पैसे निकलवा लिए, ठीक है, विड्रॉ करवा लिए अपने बैंक में से, ठीक है. एग्जिस्टेंस ऑफ कैश ट्रांजेक्शन इन द इकनॉमी. इकनॉमी में क्या रहना चाहिए? हमारे कैश का ट्रांजेक्शन रहना चाहिए. देखो क्या कह रहा है, दिस सिस्टम इज गोइंग ट्रांजेक्शन सेट, अनदर लिमिटेशन ऑफ पावर ऑफ द बैंक टू क्रिएट क्रेडिट इन अंडर डेवलप्ड एरिया. मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन हैव बी इफेक्टेड इन कैश. दिस पुट क्वेश्चन वॉट एक्सटेंट बैंक पावर क्रिएट क्रेडिट इज रिड्यूस, बट एज द इकनॉमी डेवलप द रेशियो ऑफ करेंसी ऑफ अ टोटल मनी सप्लाई डिक्रीजेज एंड द बैंक मनी इंक्रीजेज. दिस विल क्रिएट बैंक क्रेडिट क्रिएशन इन द इकनॉमी. मतलब बैंक क्या कहता है, हमारे से काम करो ना, आप अपने जेब में, आपकी सैलरी आ रही है 10,000 रुपये, आप इसको बैंक में दे ही नहीं रहे, क्या ये लोन पे अमाउंट चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा. क्रेडिट क्रिएशन होगा? नहीं होगा. 10,000 क्या, मैं कहती हूँ 100 रुपये आपकी कमाई है महीने की, ठीक है, आप अपने पास ही रख लो. चले क्या करना, बैंक में जमा करवा के छोड़ो. क्या करना, बैंक में जमा करवा के 100 रुपये हैं, 100 रुपये खर्च कर दिए, ठीक है, हमारे सारे एक्सपेंस हो गए 100 रुपये के, तो क्रेडिट क्रिएशन तो हो ही नहीं रहा. तो यही कह रहा है, जहाँ पे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा हो ही नहीं सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वहाँ पैसा कहाँ नहीं जा रहा, बैंक के पास नहीं जा रहा. जब तक पैसा बैंक के पास नहीं जाएगा, वो क्या इसको लोन पर चढ़ा पाएगा? घर थोड़ी आएगा तुम्हारे, पैसा तो लोन पर चढ़ाने के लिए नहीं. तो यही चीज़ है, हमारा क्रेडिट क्रिएशन स्लो हो जाता है. क्रेडिट क्रिएशन वुड बी स्लो. ठीक है, हमने ये देख लिया. अब और पॉइंट्स देखते कितने हो गए हमारे. इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस. क्या कहता है हमारा इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस? ठीक है, बैंक कैन नॉट कंटिन्यू क्रिएट क्रेडिट लिमिटलेस. देयर इज अ पावर टू क्रिएट ऑन द इकोनॉमिक क्लाइमेट प्रेजेंट इन द कंट्री. हमारी कंट्री में बूम है, ग्रेटर स्कोप ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, द बैंक विल क्रिएट ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट. सिमिलरली डिप्रेशन. देखो क्या होता है, मेरा ट्रेड अच्छा है, मेरी कंट्री में पैसा ही पैसा है. क्या है? पैसा ही पैसा है. तो बैंक क्या ज़्यादा पैसा लोन पर देगा? येस. मेरी कंट्री में पैसा नहीं है, बैंक लोन पर दे पाएगा? लोगों के पास पैसा तो है नहीं, लोन कहाँ से लेंगे? ये बात है. ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कहता है. बूम, बूम मतलब अच्छा पीरियड, बिजनेस बहुत फास्ट चल रहे हैं. डिप्रेशन मतलब दो वर्ड्स है आपकी, इसमें पढ़ लेना इसको. डिप्रेशन मतलब बिजनेस बहुत डाउन है. ठीक है, बूम मतलब बिजनेस बहुत अच्छे चल रहे हैं, हमारे पास पैसा ही पैसा है बिजनेस मैन के पास. तो वो क्या करेंगे, वो अपना बैंक को देंगे, बैंक क्या करेंगे लोन पे देंगे, तो ज़्यादा अच्छा होगा हमारा क्रेडिट क्रिएशन. डिप्रेशन में पैसा ही नहीं है बिजनेस के पास, बिजनेस मैन के पास. ठीक है, कंपनीज में मनी नहीं आ रही, ठीक है, इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे लोग शेयर्स में, डिबेंचर्स में, पैसा कहाँ से आएगा? नहीं आएगा. ठीक है, तो हमारा किस पर डिपेंड करता है क्रेडिट क्रिएशन? ऑल्सो डिपेंड अपॉन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस. इफ गुड कोलैटरल सिक्योरिटीज आर नॉट अवेलेबल. आज मुझे लोन चाहिए, ऐड देख तो गोल्ड लोन 1%, अपना गोल्ड रखवाओ. गोल्ड क्या है? हमारी सिक्योरिटी है. 1% लोन, ठीक है. तो ये है कोलैटरल, मतलब अपने घर के पेपर्स, अपना गोल्ड, अपना कुछ भी एक्सपेंसिव जो भी आपके पास है उसको रखवा के आप लोन लेते हो. लोन कभी भी आपको ऐसे नहीं मिलेगा, आप नहीं पे कर पाओ तो, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो गए, इफ़ अ पर्सन डाई तो,
तो क्या वो उससे तो नहीं मांगेगा, उसकी फैमिली से तो नहीं मांगेगा, उसकी जितनी भी कोलेटरल सिक्योरिटीज होगी उसको सेल कर देगा, ठीक है, लाइक दैट. इफ इट एसेंशियल टू मेंटेन स्टैचुरी लिक्विड रेशियो, ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया है. इफ द बिहेवियर ऑफ अदर बैंक इज नॉट कोऑपरेटिव, इफ सम ऑफ द बैंक डू नॉट एडवांस लोन्स टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, द चैन ऑफ क्रेडिट एक्सपेंशन विल बी ब्रोकन. हमने क्या माना है, सारे बैंक एक यूनिट है, तो वही लास्ट वाला पॉइंट है. इफ द बिहेवियर ऑफ अदर बैंक इज नॉट कोऑपरेटिव, अगर कोई अदर बैंक आपको नहीं दे रहा, अभी हम पढ़ेंगे आगे वो कॉल मनी एंड ऑल दैट, अभी हम कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट पढ़ेंगे, तो उसमें हमारा ये काम आएगा. ठीक है, पैसा ही नहीं दे रहा बैंक एक दूसरे बैंक को, ठीक है, हर बार RBI के पास नहीं जाते छोटे छोटे बैंक, वो अपने आप में इंटरलिंक करते हैं, अपने आप में मनी एडजस्ट करते हैं, अपने एक दूसरे बैंक को इंटरेस्ट देते हैं और अपना काम चलाते हैं. अगर वही कोऑपरेटिव नहीं होगा तो हमारा क्रेडिट क्रिएशन नहीं होगा. ठीक है, अभी अपने दो क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट है. ठीक है, मैं आपको थर्ड क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी. ओके, थैंक यू.